अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन पार्टी ने कुमारी रचना देवी को चुना मुरादाबाद से जिला महासचिव। ग्राम पंचायत मिलक भोजपुर आशा क्षेत्र मुंडा पांडे जनपद मुरादाबाद में मंगलवार शाम 4 बजे कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कुमारी रचना देवी निवासी मिलक भैंसिया जनपद मुरादाबाद को जिला महासचिव नियुक्त किया गया। यूनियन के अधिकारियों की तरफ से फूल मालाएं डालकर उनको सम्मानित करने के बाद पार्टी का पर्ची पत्र भी सौंपा गया। इस मौके पर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सलीम पाशा व महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती मुजरमीन व कार्यकर्ता कलवा साहब व ग्राम प्रधान दुलारी अख्तर साहब के साथ साथ भारी संख्या में यूनियन के कार्यकर्ता व अधिकारी व पदाधिकारी मौजूद रहे। अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान व प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सलीम पाशा ने जिले में हो रहे अवैध कार्यों को लेकर अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा, जिले में हो रही अवैध कार्य बंद कर दो वरना हम 15 दिन के अंदर अंदर उनके खिलाफ अपने रूप से एक्शन लेंगे, और पुलिस प्रशासन से मांग की कि अवैध रूप से गाड़ियों पर लगे होटरों को हटवाया जाए वरना हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। रिपोर्ट अब्दुल बाजिद। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब, दूसरा मैं प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सलीम पाशा अन्नदाता किसान यूनियन से। रचना कुमारी को आज यहाँ जिला अध्यक्ष के निवास पर जिला महासचिव का पद दिया गया है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से इस पद का पूरा जिम्मेदारी उठाएंगी और मेहनत करेंगी। किसी के भी साथ कोई अन्याय होता तो उसकी आवाज़ उठाएंगी, और इनके साथ पूरा संगठन पूरी मेहनत और ईमानदारी से खड़ा है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रिजवान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा से। आज जो पद दिया गया है महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष है उनके निवास पर जिला महासचिव का पद दिया गया है रजना कुमारी को, और जिले की कमान इनको सौंपी गई है दोनों जी, और जिम्मेदारी इनको बता दी गई है। इसके अलावा जो जितना भी यहाँ भ्रष्टाचारी चला रहे हैं, जो यूनियनों के नाम पे मतलब जो ये खनन माफिया भू माफिया तमाम जो भी उल्टे सीधे काम हो रहे हैं उसके लिए अभी कई महीने से खामोश थे, अभी भी खामोश थे, क्योंकि ज़्यादा ठंड की वजह से यूनियन इकट्ठी नहीं हो जाती। ये लोग होटल लगा के जो ये खनन माफिया तमाम जो उगाईबाजी कर रहे हैं हम इसको देख रहे हैं, अधिकारियों को भी देख रहे हैं। हमारा 20 तारीख में या 25 तारीख में एक बहुत बड़ा वाला आंदोलन होने के लिए जा रहा है हाईवे पे। मैडम, अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आपको जिला महासचिव बनाया गया है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पूरी ईमानदारी और ईमानदारी पूरी वफादारी से इस पर्स को निभाऊंगी। ठीक।